हेलो एवरीवन, ये देखिए हमने बड़ी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है। बड़ी भी बोलते हैं और इनको बढ़िया भी बोलते हैं, है ना। तो बड़ी आलू मूंग की दाल की बड़ी है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। देखिए ये ऊपर से हमने धनिया भी डाल दिया बना के। अरे ये देखिए किस तरह से, मतलब बड़ी अलग से दिख रही है, आलू अलग से दिख रहे हैं, और बड़ी ये हमने घर में ही बनाई है। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट, जो मार्केट से आती हैं उससे अच्छी ये बड़ी है, मूंग की दाल की बड़ी है ये देखिए। और मूंग की दाल को पहले 5-6 घंटे भिगो देते हैं बड़ी बनाने के लिए, फिर धो के उसको, छिलके वाली दाल की ये, तो धो के बड़ी दाल को बनाते हैं, पीसते हैं, फिर धूप में 2 दिन सुखाते हैं। और इसमें बनाते समय हींग जरूर डालती हैं दाल में। ये देखिए बड़ियाँ रखी हैं, घर की बड़ियाँ बनी हुई हैं ना, कितनी अच्छी हैं। और ये हमने 3 आलू लिए हैं बड़ी में डालने के लिए, ये 2 टमाटर हैं, आलू को हमने ये काट लिया है और टमाटर भी काट लिए हैं बारीक बारीक, अदरक भी काट के रखी हुई है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने तेल डाला कढ़ाई में और हम बड़ियों को भून रहे हैं ना। बड़ी को भूनने में तो टाइम लगता ही है, 3-4 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो 3-4 मिनट तक भूनेंगे इनको अच्छी तरह से, और लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए एडिट कर लेते हैं, टाइम मतलब बचा लेते हैं ना, शॉर्ट कर देते हैं। देखिए बढ़िया भुन चुकी हैं, कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी भुनी हुई है, सुगंध आने लगती है क्योंकि इनमें हींग डली हुई है। बनाते समय बड़ी को हींग डाल देते हैं तो सुगंध आने लगती है। ये देखिए बड़ी भुन के तैयार हो चुकी है और कढ़ाई को फिर से हमने गैस पर चढ़ा दिया है। और ये बढ़िया है, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी। और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, आपको रेसिपी पसंद आए तो। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है तो हमने उसमें जीरा डाल दिया है सब्जी बनाने के लिए। अब सब्जी बन रही है, नॉन स्टिक कढ़ाई है तो तेल हमने कम डाला है कढ़ाई में ना, ज़्यादा तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसमें। जीरा भुन चुका है तो अदरक डाल रहे हैं, हम अदरक को भुनेंगे। और अदरक तो मस्ट है इसमें डालने के लिए बड़ी आलू की सब्जी में। ये देखिए अदरक बन रहा है और सब्जी बन रही है अच्छी स्वादिष्ट। जब हमारा स्वाद अलग से चेंज करना है तो हम दूसरी सब्जियां बनाते हैं। ये देखिए हींग डाल दी हमने, अब अदरक बन चुकी है तो उसमें हींग डाल दी है। हींग की खुशबू तो सुगंध आती है अच्छी। ये देखिए अदरक बन चुकी है, अब हम इसमें सबसे पहले जो हमने बारीक काट के टमाटर रखे हैं वो हम डाल रहे हैं। ये देखिए टमाटर डाल दिए हैं अब कढ़ाई में, और टमाटर को भुनेंगे हम। जब तक भुनेंगे जब तक ये मैश नहीं आए, 2-3 मिनट तक कम से कम टमाटर को भुनेंगे। ये देखिए टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर ये हमने 1/2 चम्मच मतलब डाला है इसमें। ये हल्दी पाउडर के बाद हम इसी तरह से धनिया पाउडर हमने ज़्यादा डाला है। देखिए ये हमने 1.5 चम्मच करीब डाल दिया है। और अब इसी तरह से लाल मिर्ची पाउडर, आपको जैसा चटपटा खाना हो उतनी मिर्ची डालिए। ये देखिए हमने थोड़ी अच्छी डाली है मिर्ची, 1 चम्मच करीब बड़ी डाल दी है। और ये नमक डाल रहे हैं साथ में, नमक टमाटर के साथ में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे इसमें। नमक के डालने से टमाटर अच्छी तरह से जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए अब हम मसाले को टमाटर के साथ भुनेंगे। ये टमाटर भून रहे हैं हम, और टमाटर भुनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये देखिए मसाला भी भुन जाएगा साथ में और टमाटर भी भुन जाएंगे। और जब मसाला भुन जाएगा तो तेल अपने आप ही है ना छोड़ देता है मसाला। देखिए कि मसाला भुन चुका है। आप हमारे बड़ी आलू की सब्जी की रेसिपी को जरूर पसंद करेंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए आप। ये देखिए शेयर करिए आप इसको अपनी जान पहचान वालों में, रिश्तेदारों में, जहाँ भी है, और लाइक भी करिए। ये देखिए ये बड़ी सबसे पहले हमने डाली है इसमें मसाले में, और ये बड़ी हमने मिला ली है मसाले के साथ में। अब हम आलू डाल रहे हैं, ये जो हमने आलू काट के रखे हैं वो आलू डाल दिए। अब मसाले में हम आलूओं को मिलाएंगे, कटे हुए आलू ये हम मसाले में मिला रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा अच्छी तरह से मसाला मिल जाना चाहिए इसमें आलूओं में, इस तरह से मिलाते जा रहे हैं ना।
और ये आप देखिए मसाला मिल चुका है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। क्या रसेदार बनती है? सूखी ही बनती है, लेकिन रसेदार ज़्यादा अच्छी लगती है। पूड़ी पराठे के साथ, चावल के साथ भी बड़ी आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। पानी हमने 2 गिलास डाला है, क्योंकि बड़ी फूलेंगी पानी को सूखेंगी, है ना। तो ये देखिए 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढाँक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए। हम ढाँक दिया हमने इसको, और गैस को हमने मीडियम कर दिया है। तो इस तरह से 15 मिनट तक आलू पकाएंगे, बड़ी पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, खोल रही है हमारी सब्जी, और बड़ी आलू की सब्जी टमाटर के साथ बनी हुई है। ये चला के देख रहे हैं, देखिए 2 गिलास पानी डाला था और पानी बड़ियों ने पी लिया, यानी सोख लिया है। ये देखिए हम गरम मसाला डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है। और ये बटर है, घर का मक्खन बनाया हुआ है, मक्खन डालने से स्वाद और अच्छा हो जाता है। तो ये हमने ये 1 बड़ा चम्मच करीब हमने बटर डाल दिया है। ये देखिए किस तरह से बटर पिघल जाया है, गरम मसाला डल चुका है, और सब्जी बहुत ही अच्छी बन रही है ना। सब्जी में और अच्छी रौनक आ गई है बटर के डालने से। ये देखिए अब हम इसको हरे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे। हरे धनिया की पत्ती डाल रहे हैं, सुगंध आती है हरी धनिया की सब्जी में, पूरी सब्जी में सुगंध आ जाएगी। गैस को हमने बंद कर दिया है, और सब्जी को हम ढोंगी में परोस रहे हैं। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।